अस्सलाम वालेकुम। आज हम गाजर का हलवा बनाने लगे हैं। 2 किलो गाजरें लेके मैंने उसको कद्दूकस कर लिया है। 1.5 कप चीनी है, थोड़ी सी इलायची है और 1 कप मेरे पास खोया भी है और इसको मैं बाद में यूज करूंगी। साथ में मैंने 2 कप सूखा दूध लिया है और अगर आपके पास सूखा दूध नहीं है तो आप दूसरा दूध भी यूज कर सकते हैं। 1 से 1.5 कप मेरे पास देसी घी है। अगर आप देसी घी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कुछ भी जो यूज़ करते हैं वो कर लें। इसी तरह मैंने पिस्ता बादाम लिए हैं और इन पिस्ता बादामों को मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। अभी मैं हलवा रेडी करती हूं। एक पतीला लेके उसके अंदर मैं ये गाजर डालूंगी, कद्दूकस की हुई गाजरें डालूंगी। इसी तरह इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी ऐड करके ये इलायची डाल दूंगी। इसको फुल आंच पे नहीं, हल्की आंच के ऊपर हमने इसको रखना है ढांप के, क्योंकि गाजरों ने अपना पानी छोड़ना है तो वो अपने पानी में ही गल जाएंगी। गाजरें हमारी गल गई हैं और पानी भी खुशक हो गया इनका, तो यहाँ मैं इसके अंदर घी ऐड करूंगी। साथ में शुगर जाएगी इसके। एक चीज आप ज़हन में रखिए कि इस तरह की जो भी आप चीज बनाएं, हलवा गाजर का हो जाए या फिर दाल चना जो बनाते हैं घी के अंदर, वो नॉन स्टिक पैन में नहीं बनती बल्कि इस तरह की देगची में आपको बनाना पड़ेगा, सिल्वर की देगची में। अब शुगर ने भी अपना पानी छोड़ दिया है, यहाँ मैं इसको मुसलसल भूनूंगी। छोड़ना नहीं है मैंने इसको, क्योंकि चीनी डालने के बाद ये फिर जल्दी लगता है नीचे। चीनी आप अपनी मर्जी के हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत तेज मीठा खाते हैं और कुछ कम मीठा खाते हैं, इसलिए मैंने नॉर्मल डाला है। जब तक गाजरें घी नहीं छोड़ देती हमने इसको मुसलसल भूनते रहना है, इसको हमने रुकना नहीं है, चमचा चलाते रहेंगे। थोड़ा सा देसी घी लेके उसके अंदर मैं ये पिस्ता बादाम जो मैंने आपको दिखाए थे वो मैं फ्राई कर रही हूँ, ये इसके अंदर जाएंगे। ये फ्राई हो गए, मैं इनको इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब ये इस तरह मिक्स करने के बाद बारी है सूखे दूध की। अगर आपके पास दूध की जगह दूसरा दूध है तो आप वो वाला डाल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐड करती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा खोया ऐड करूंगी। हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया है। वेरी सिंपल इसकी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। सर्दियों का ये तोहफा है, हर एक को पसंद आता है, छोटे बड़ों को। हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया, मैं इसको पिस्ता बादाम डाल के गार्निश करूँगी।